दिल्ली में 26 अप्रैल को मेयर इलेक्शन होने हैं। इस चुनाव पर बड़ा ऐलान करते हुए कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को समर्थन देने की बात कही है। कांग्रेस बिना शर्त आम आदमी पार्टी को समर्थन देगी, लिहाजा कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के सामने कोई शर्त नहीं रखी है। जानकारी के लिए बता दें कि 26 अप्रैल को सुबह 11 बजे से मेयर इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू होगी। एमसीडी के 250 पार्षद, दिल्ली के 7 सांसद, 3 राज्यसभा सदस्य और 14 विधायक मेयर चुनाव में वोट करते हैं। वहीं इस मुद्दे पर मीडिया से बातचीत करते हुए दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनिल भारद्वाज ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने मेयर चुनाव के लिए समर्थन मांगा था। इसे लेकर दोनों पार्टी के नेताओं ने मीटिंग की है, इसके बाद ये फैसला लिया गया है। वहीं इस मुद्दे पर अनिल भारद्वाज ने क्या कहा, ये आप भी सुनिए। कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। दिल्ली की जनता के हित में, जनहित और जन कल्याण को देखते हुए दिल्ली के 2.5 करोड़ जनता जो कहीं ना कहीं चुनने के बाद सरकार में ये महसूस कर रही है भाई चुने हुए सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की सरकार के वो जेल में, वहां काम इफेक्टेड हो रहे हैं, तो जो सिविल हमारे सिविलियंस हैं उनके सबसे ज्यादा जो काम हैं वो नगर निगम से पड़ते हैं। नगर निगम में एक पार्टी को मैंडेट मिला, सबसे ज्यादा सीटें मिली। कांग्रेस पार्टी जनता के हित में उनको सपोर्ट कर रही है। मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में हम इसलिए भी सपोर्ट कर रहे हैं कि जो दोहराया ना जाए चंडीगढ़ को, जिस तरह चंडीगढ़ नगर निगम के अंदर जिस तरह की परिस्थिति देखने को नजर आई और माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस पर फैसला देना पड़ा, उस लोकतंत्र की जिस तरह से वहां धक्का हुआ, लोकतंत्र को जिस तरह शर्मसार किया गया, वो दिल्ली में ना हो। हमने अपने चुने हुए मेंबर्स से चर्चा की है और उनका सबका ये मत था कि दिल्ली की जनता के हित में काम ना रुकें, काम हो, इसके लिए हमें उन आम आदमी पार्टी के जो मेयर और डिप्टी मेयर के कैंडिडेट हैं उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस का आम आदमी पार्टी को लोकसभा और फिर निगम के मेयर चुनाव में समर्थन देने के अलग अलग सियासी मायने अब निकाले जा रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के ठीक 6 महीने बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव होना है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में मजबूत है और कांग्रेस फिलहाल दिल्ली में अपनी सियासी जमीन ढूंढ रही है। यही वजह है कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का समर्थन मांग सकती है और आम आदमी पार्टी को भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद कांग्रेस को समर्थन देना मजबूरी बन गई है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले मेयर इलेक्शन में दोनों पार्टियों का अगला मूव क्या होता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।